हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है चिकन भुना मसाला। दोस्तों, इसकी जो मेकिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि एक बार तो इस रेसिपी को आप जरूर से ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक काम जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे ये होगा ही, मेरी जितनी वीडियो आएंगे वो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने चिकन लिया है वो 750 ग्राम चिकन लिया है, और यहाँ पर हमने थोड़ी सी हल्दी डालनी है चिकन में, और आधा चम्मच इसमें नमक हमने मिक्स करना है। मैरिनेशन नहीं करना है, बट मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो फ्लेवर है हल्दी और नमक का वो अच्छी तरह से हमारे चिकन में लग जाए, चला जाए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने ली है बड़ी प्याज 4। इनको हमने चॉप करना है अच्छी तरह से। चॉप करने से पहले ये जो आप देख रहे हैं इनके एजेस, ये हटा देंगे हम, और अब करेंगे चॉप बिल्कुल स्लाइस में, पतला पतला इनको चॉप करेंगे। और अभी क्या है, इन प्याज को हम खोल लेंगे इस तरह से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल अलग कर लेंगे। कढ़ाई रखेंगे दोस्तों, और उसके बाद डालेंगे तेल, और उसके बाद जो हमने नमक और हल्दी लगाकर हमने चिकन रखा था, इस चिकन को हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब दोस्तों, जब फ्राई करेंगे हम चिकन को, तो चिकन भी जो हमारा फ्राई होगा, यहाँ पर हम उसको 80% तक फ्राई करेंगे। हमने पूरा इसको एकदम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, 80% तक इसको हम फ्राई करेंगे। मैं आगे दिखाऊंगा अभी, और इसी चीज़ से आप देखना चिकन में जो है जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ये आप देख सकते हैं 80% के आसपास हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई नहीं करा है। और उसके बाद दोस्तों, इसमें थोड़ा सा तेल हम और ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, और यहाँ पर ये मसाले हैं, इसमें 5-6 काली मिर्च, 4 लौंग, 4 हरी इलायची, थोड़ी दालचीनी, थोड़ा जीरा, थोड़ा तेज़पत्ता, और थोड़ी जावित्री। ये सारे मसाले हैं, ये मसाले हम तेल में डाल देंगे और इनको पफ होने तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब दोस्तों, बारी है चॉप अनियन कढ़ाई में डालने की। तो जितनी भी हमारे पास प्याज थी वो सारी हम प्याज इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं जो तेल है ना, वो फ्राई करते हुए प्याज से अलग हो गया है। तो इसी स्टेज पे क्या करना है, अब यहाँ पर मसाले डालेंगे हम। दोस्तों, यहाँ पर 1 चम्मच जीरा पाउडर हमने डालना है, उसके बाद आधा चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, और 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डाल देंगे, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इसमें, और इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे, भूनेंगे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद अब ये आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर के लिए, और एंड में इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑयल है वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर टमाटो का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, और फिर इसको भी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। भुनाई दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रेसिपी में, चिकन भुना मसाला जो फ्लेवर आएगा वो मेन भुनाई का ही है इस रेसिपी में। तो आप याद रखें, भुनाई जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों, मसाला जो है वो हमारा भुनकर तैयार है। अब इसमें हमने यहाँ पर 1 कटोरी दही, लगभग 150 ग्राम दही हमने इसमें डाली है। इसको अच्छी तरह से पहले आप फेंट लें, और उसके बाद एक ही दिशा में अभी इसको दही को हमने स्टर करना है। दोस्तों, यहाँ पर अब 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से आप भूनें, और उसका रिजल्ट जो है वो अब आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हो जो ऑयल था वो ऊपर आ चुका है, और इसी स्टेज पे जो हमारे पास चिकन था उस चिकन को हम डाल देंगे, और इसको मिक्स कर देंगे ग्रेवी में। अब दोस्तों, यहाँ चिकन को पकाना बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ढककर चिकन को 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि भाई इसको हमने 80% तक ही पकाया है, तो पकाना ज़रूरी है। और दोस्तों, इसमें 1 कटोरी हम पानी डालेंगे, और गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो करेंगे, और इसको ढककर पकाएंगे 15 मिनट के लिए। और दोस्तों, 15 मिनट के बाद हमारा जो चिकन भुना मसाला है वो बनकर तैयार है।
और दोस्तों एंड में डालेंगे फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर जो टेस्ट को काफ़ी इन्हेंस करेगी। और दोस्तों हमारी जो वीडियो है चिकन भुना मसाला वो बनकर तैयार है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बारी है सर्व करने की, तो आप देख सकते हैं जो चिकन है वो बिल्कुल पक चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है।